दोस्तों वेलकम बैक टू द चैनल द न्यू वीडियो। दोस्तों आज हमारे पास जो है इंस्टा 360 की X4 है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, इंस्टा 360 X4। आपने अभी तक जो है X3 देखे होंगे, लेकिन ये जो है नया वर्जन है, अपडेटेड वर्जन ऑफ इंस्टा 360 है। दिस इज नॉट इट लॉन्च। सो ये लॉन्च से पहले हमें जो है प्रोडक्ट आ गया था, तो इस बार जो है हमें रिव्यू भी करने को मिला और मुझे बहुत सारा टाइम मिला है इस प्रोडक्ट के साथ। सो सबसे पहली बात आपको बता देता हूँ कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें जो है इसमें जो है 8K तक के जो वीडियो जो है रिकॉर्ड होता है, जो 360 वीडियोज़ इसमें रिकॉर्ड होता है। एंड कुछ चीज़ें मुझे बहुत अच्छा लगा, जो कि हार्डवेयर के टर्म्स पर भी अगर आप देखोगे तो कैमरे के साथ जो है अभी लेंस गार्ड्स आ रहा है। तो पहले वर्जन जितने भी सारा इंस्टा 360 मेरे पास कैमरा होता था उसमें उसके लिए मैं फिर अमेजन पर जाके एक्स्ट्रा जो है लेंस के लिए कवर वो ले रहा था, लेकिन इसमें जो है लेंस ऑलरेडी आ रहा है, मतलब लेंस की जो कवर है बेसिकली कैप्स, आई जस्ट शो यू वीडियो पे दिखा दूंगा, वो इसके साथ आता है। एंड टॉप ऑफ इट ऐसा एक पाउच भी आता है जिसके अंदर आप कैमरा रख सकते हो। एंड मैंने एक्चुअली इसकी अनबॉक्सिंग ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें तो नहीं है, कैमरा है, कैमरा के साथ ये पाउच आपको मिलता है, दो लेंस कवर मिलता है, जो प्रोटेक्टर है वो मिलता है, एंड एक क्लॉथ मिलता है जो साफ़ करने के लिए लेंस को। सो आपको दिखा देता हूँ। तो कैमरा कुछ इस तरह से दिखता है जैसे आप देख रहे हो। थोड़ी सी जो है मुझे लगता है कि वेट में जो है एडिशन किया गया है, लेकिन मुझे लगता है कि इट्स आल्सो बिकॉज ऑफ द बैटरी, क्योंकि अभी बैटरी बैकअप बहुत अच्छा है। मैंने इनफैक्ट पूरा दिन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसमें, मैं देख रहा हूँ कि यार बहुत ड्रास्टिकली बैटरी जो है ड्रेन नहीं होता है। सो ये जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे, देखो लेंस कवर्स ऑलरेडी लगा हुआ है एंड स्क्रीन भी बड़ा साइज का स्क्रीन है। दोस्तों इंस्टा 360 के साथ शूटिंग करने का एडवांटेज ये होता है कि आप जो है किसी भी एंगल से शूट कर लो, बेसिकली आप ऐसे कैमरा लगाते हो और ये जो है 360 डिग्री पे जो शूट करता है। तो इससे अच्छी बात क्या होता है कि आपको फ्रेम करने की जरूरत नहीं है। मतलब जनरली क्या होता है ना, जो नॉर्मल कैमराज रहता है उसमें क्या होता है, आप जो है एंगल सेट करते हो कि किस तरफ से जो है कैमरा रिकॉर्ड करेगा, आपका शकल देखना है या फिर सामने वाला चीज़ देखना है या फिर साइड वाला चीज़ देखना है। वही एग्जैक्ट चीज़ जो है इसमें क्या होता है, ये सारे के सारे डायरेक्शन पे जो है शूट करता है, जिसको आप पोस्ट प्रोडक्शन मतलब बाद में एडिट के टाइम पे आप सेट कर सकते हो एग्जैक्टली कि आपको कौन सा चीज जो है दिखाना है। तो ये एक एडवांटेज होता है 360 कैमरा का ओवर नॉर्मल कैमरास। अभी तक दोस्तों जितना सारा मैंने 360 का जो वीडियोस देखा है, वीडियो फुटेज के हिसाब से अगर देखोगे, तो इस कैमरा जो X4 की जो क्वालिटी है वो सबसे सुपर, चाहे वीडियो क्वालिटी की बात ले लो या फिर स्टेबलाइजेशन की बात ले लो। जैसे आप देख रहे हो मेरे जो शॉट्स आपको दिख रहा है, इसमें जो है मैं मोटरसाइकिल चला रहा हूँ, मोटरसाइकिल पर जो है बहुत सारा वाइब्रेशन होता है, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि रोड्स हमारा इतना प्लेन नहीं रहता है, उबड़ खबड़ रोड में जो है अप डाउन होता रहता है। लेकिन जैसे आप देख रहे हो वीडियो, देखो कितना स्टेबल दिख रहा है, फुटेज आपको एकदम स्मूथ दिख रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कि बाइक कितना जो है कूद रहा है। शायद मैं थोड़ा सा अगर इसका एंगल चेंज करूं तो शायद आपको यहां पे दिखेगा कि भाई कितना क्या लेवल पे जो है ये शेक हो रहा था कैमरा, लेकिन उसके बावजूद भी जो है इसकी क्वालिटी बहुत अमेजिंग रहा। इंस्टा 360 की जो कैमराज होता है उसमें अगर आप इंस्टा 360 की जो है सेल्फी स्टिक यूज करोगे तो आपका सेल्फी स्टिक जो है इनविजिबल हो जाता है। मैंने अपने मोटरसाइकिल पे यूज किया है, वो वाला जो है इंस्टा 360 की सेल्फी स्टिक है, अगर वो यूज करते हो उसमें आपको जो है और वो दिखता नहीं, वो इनविजिबल हो जाता है सेल्फी स्टिक। प्रीवियस वर्जन की जो इंस्टा 360 था उसमें जो है 5.7K तक ही था रिकॉर्डिंग, लेकिन अब अगर आप देखोगे तो 8K भी आ गया है, 8K और 30 FPS पे जो है आप रिकॉर्ड कर सकते हो। एंड देन अगर 5.7K पे आप जाते हो तो 50 FPS तक या फिर 60 FPS तक भी रिकॉर्ड कर सकते हो। सो अगर दोस्तों साइड पे देखोगे तो यहाँ पे जो है बैटरी कंपार्टमेंट है, बैटरी इसकी काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा बैकअप इसमें देता है। इनफैक्ट अभी तक मुझे एक ही बार चार्ज करना पड़ा और इतना सारा रिकॉर्ड मैं कर चुका हूँ, अभी भी बैकअप है। यहाँ पे जो है आपको चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, एंड देन इस तरफ अगर देखेंगे तो पावर बटन यहाँ पे मिल जाता है और एक क्यू शायद मेरे ख्याल से क्विक बटन कुछ होगा, यहाँ पे दो बटन्स मिल जाता है। तो ये वाला बटन अगर मैं प्रेस करता हूँ तो जैसे अभी आप देख रहे हो कि रिकॉर्डिंग शुरू हो गया है, फिर से दोबारा अगर प्रेस करूंगा तो रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाएगा ऐसे। एंड देन ये वाला जो बटन है ये एक्चुअली मोड बटन है, तो इसको अगर मैं प्रेस करता हूँ तो देखो वीडियो मोड, मतलब मैं पूरा मोड्स को जो है ऐसे सिलेक्ट कर सकता हूँ, कौन सा मोड में मुझे चाहिए, एक्टिव HDR, टाइम लैप्स, टाइम शिफ्ट, बुलेट टाइम, फिर ये सब आ जाता है। और इसमें जो है आप सिंगल लेंस मोड भी कर सकते हो। अगर मैं सिंगल लेंस करता हूँ तो जैसे नॉर्मली आपका एक्शन कैम्स रिकॉर्ड करता है एग्जैक्टली वही हो जाता है, तो एक ही साइड का जो है रिकॉर्ड करेगा। और 360 मोड अगर मैं करूँगा तो फिर नॉर्मल जो है 360 मतलब दोनों के दोनों जो लेंस जो है यूज हो जाएगा। बस दोस्तों यही बात है, मतलब इनिशियल इंप्रेशन मेरा ये रहा और कुछ जो इनिशियल हम लोग फुटेज लिए उसके हिसाब से मैंने शेयर कर दिया डिटेल्स आपके साथ। इसमें एक और फीचर आपको हाईलाइट करना चाहूंगा, इसमें जो है आपकी जो है एयरपोर्ट कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपके पास ब्लूटूथ ईयरफोन्स है तो ईयरफोन्स को आप डायरेक्ट इस पर कनेक्ट कर सकते हैं, ऑडियो जो है वो वहां उसकी माइक्रोफोन से इसके अंदर जो है ऑडियो आ जाएगा। ये भी अच्छा है क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी जैसे कैमरा आपसे थोड़ा दूर रहता है तो वहां पर क्या होता है ना, आपकी ऑडियो क्लैरिटी नहीं आता है क्योंकि
क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है, तो उस केस पे जो है आप एयरपोर्ट लगा के जो है डायरेक्टली। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग इस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है विद रिगार्ड्स टू इंस्टा 360 एक्सपोर्ट, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ऑफ वीडियो, आई ट्राई टू आंसर देम। एंड जी हाँ दोस्तों, अगर आपको ये कैमरा खरीदनी है तो इसके लिंक मैं शेयर कर रहा हूँ वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे, आप डायरेक्टली जाइए और चेकआउट कीजिए। थैंक यू अगेन।